हाय एवरीवन, अगर आप पहली बार गोवा टूर करने वाले हैं या फिर आने वाले समय में आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गोवा कैसे पहुंच सकते हैं, गोवा पहुंचने के बाद आप एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से अपने होटल तक कैसे जा सकते हैं, आपको होटल कहां लेना चाहिए और इसकी कॉस्ट कितनी आ सकती है, और इसके अलावा गोवा घूमने के लिए आपको स्कूटी या बाइक रेंट पे कहां से मिलेगी और इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, और गोवा के बेस्ट प्लेसेस कौन से है जो आप अपने ट्रिप में एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप गोवा कैसे पहुंच सकते हो। गोवा पहुंचने के तीन तरीके हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से या बस से जाना चाहते हैं तो आप बाय रोड जा सकते हैं। सेकेंड तरीका है, आप बाय फ्लाइट जा सकते हैं। गोवा में दो मेन एयरपोर्ट है, एक डाबोलिम एयरपोर्ट और दूसरा मोपा एयरपोर्ट। आपको अपनी सिटी से जिस भी एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट मिलती है आप उस फ्लाइट को लेके गोवा पहुंच सकते हैं। तीसरा तरीका, आप बाय ट्रेन भी गोवा पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हैं तो नॉर्थ गोवा के लिए आपको थेवम रेलवे स्टेशन में उतरना है। थेवम रेलवे स्टेशन नॉर्थ गोवा से सबसे पास में है। ज्यादातर टूरिस्ट नॉर्थ गोवा ही जाते हैं क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा क्राउड रहता है, नाइट क्लब्स है, पार्टी है। तो इस वीडियो में आपको नॉर्थ गोवा के बारे में ही बता रहा हूं। अगर आप बाय ट्रेन पहुंचते हैं तो आपको थेवम रेलवे स्टेशन उतरना है। वहां से आपको स्टेशन से बाहर आना है, आपको टैक्सी काउंटर मिल जाएगा। गोवा में ओला उबर नहीं चलता है तो वहां पे जो टैक्सी चलती है आपको वही लेनी पड़ेगी, या फिर आप गोवा माइल्स ऐप डाउनलोड कर लें, उससे आप ऑनलाइन भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। ये गोवा का लोकल ऐप है। इसके अलावा सबसे सस्ता ऑप्शन है कि आप रेलवे स्टेशन से 200-300 मीटर नीचे उतरेंगे, मेन रोड में आएंगे तो वहाँ पे कुछ लोकल बसेस चलती हैं गोवा की, आप उनका यूज करके भी अपने होटल तक जा सकते हैं। उन बसेस से आप थेवम रेलवे स्टेशन से मापुसा और मापुसा से जिस भी जगह में आपका होटल है आप वहाँ तक जा सकते हैं, जैसे बागा, केलंगूट, और होटल का भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस तरीके से आप रेलवे स्टेशन से अपने होटल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट में कुछ एसी बसेस चलती हैं जो मेन टूरिस्ट एरिया में जाती हैं। आप उन बसेस के थ्रू 200 रुपए में आप अपने होटल तक पहुंच सकते हैं, और इसके अलावा वहां पे आप टैक्सी काउंटर अवेलेबल रहते हैं तो आप चाहे तो अपनी डायरेक्ट टैक्सी बुक कर सकते हैं एयरपोर्ट से अपने होटल तक के लिए। ये हुई लोकल ट्रांसपोर्ट की बात। अब अपन बात करते हैं कि गोवा में आपको होटल किस एरिया में लेना है और गोवा में होटल की आपकी कितनी कॉस्ट आएगी। देखिए, नॉर्थ गोवा का मेन टूरिस्ट एरिया है बागा, केलंगूट, केंडोलिम। आप बागा केलंगूट के आसपास अपना होटल लें। वहां से आपको जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो आपको काफी पास पड़ेंगे और गोवा की फेमस नाइट लाइफ भी वहां से काफी पास है, तो आप कोशिश करें कि आप अपना होटल बागा केलंगूट के आसपास ही लें। अभी मैं आपको गोवा के होटल्स की कॉस्ट लाइव दिखाने वाला हूं बुकिंग साइट के थ्रू, जिससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपको किस कॉस्ट में आपको गोवा में होटल्स मिल सकते हैं। अभी देखिए, आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैं आपको लाइव बुकिंग साइट के थ्रू होटल दिखा रहा हूँ। 900, 800, 700 में आपको होटल शो हो रहे होंगे, जो आपको 700-800 में और 600 तक में आपको गोवा में आराम से होटल मिल सकते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन बुकिंग साइट के थ्रू अपना होटल बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी सस्ता ऑप्शन चाहिए, आप देख रहे होंगे 130-200 रुपीस से गोवा में हॉस्टल के प्राइजेस स्टार्ट हैं। आप चाहें तो अपना स्टे हॉस्टल में भी कर सकते हैं, जो आपको 200-300 रुपए में काफी अच्छे हॉस्टल आपको मिल जाएंगे। तो ये हुई बात गोवा में होटल्स की। आप होटल्स किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहां भी आपको बेस्ट डील मिले आप अपना होटल वहां से बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं गोवा को घूमने के लिए, गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है स्कूटी। ये आपको पूरे गोवा में इजिली आराम से रेंट पर मिल जाती है। स्कूटी रेंट आपको गोवा में हर 200-500 मीटर में रेंटल सर्विस की शॉप मिल जाएगी, आप वहां से स्कूटी रेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आप जिस भी होटल में या हॉस्टल में स्टे करेंगे वहां पे भी कुछ रेंटल सर्विस वाले बैठे रहते हैं, आप उनसे बात कर लें, अगर वो अवेलेबल होंगे तो आपको स्कूटी वहीं रेंट से मिल जाएगी, या फिर होटल वाले कॉल करके स्कूटी रेंट वालों को बुला देते हैं। तो आप चाहे तो होटल से या फिर आप बाहर से भी स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। अब बात करूं स्कूटी रेंट की कॉस्ट कितनी आती है। देखिए, जनरली आपको स्कूटी रेंट पे 300-350 रुपए के बीच में आराम से पूरे गोवा में मिल जाती है। सिर्फ इसके प्राइस हाई होते हैं न्यू ईयर के टाइम पे, जनवरी दिसंबर इस टाइम पे इसके प्राइजेस ज्यादा रहते हैं। अदरवाइज आपको ये 300-350 में आराम से मिल जाएगी, और स्कूटी में फ्यूल आपको खुद फिल करवाना पड़ता है। आपको स्कूटी रेंट लेते समय कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है रेंटल सर्विस वाले को, जैसे आप अपना कोई भी एक आईडी प्रूफ उसके पास दे सकते हैं, और स्कूटी रिटर्न देते समय आपको वो आईडी प्रूफ रिटर्न कर देगा। सेकंड बात, जितने दिनों के लिए भी आप स्कूटी रेंट पे ले रहे हैं, मे भी हो सकता है उतना अमाउंट वो आपसे एडवांस में मांगे, तो आप वो अमाउंट एडवांस में पे
पे कर सकते हैं। स्कूटी रेंट लेते समय स्पेशली एक बात का ध्यान रखना है कि स्कूटी की पूरी वीडियोग्राफी आप जरूर कर लें, क्योंकि जब आप वापस करेंगे तो कोई पुराने स्क्रैचेस का क्लेम वो आपसे ना ले। इसके लिए आप एक बार पहले वीडियो बना लें तो आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा आपको स्कूटी के साथ एक हेलमेट मिलेगा और वो हेलमेट लगाए बिना आप स्कूटी मत चलाना, और गोवा में काफी चालान भी होते हैं तो सारे ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो जरूर करें। तो ये बात हुई गोवा में स्कूटी रेंट की। नेक्स्ट मैं आपको गोवा के कुछ बेस्ट प्लेसेस और बेस्ट नाइट लाइफ कहाँ होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले गोवा की बेस्ट बीचेस की बात करूँ तो उसके लिए आप अंजुना बीच, वेगाटोर बीच, अश्विम बीच, मॉर्जिम एंड अरम्बुल बीच, यहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्राउड कम मिलेगा, आप आराम से बैठ के यहाँ सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पार्टी के लिए बागा बीच जा सकते हैं, यहाँ पे इवनिंग में काफी सारे बीच शेक एंड कैफेस हैं जहाँ 10 बजे तक लाउड म्यूजिक चलता है और उसके बाद म्यूजिक का वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पे देर रात तक नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं बागा बीच में बैठ के। और इसके अलावा बागा बीच रोड पे टिटोस लेन है, आप वहाँ जाके नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे नाइट क्लब्स हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, जैसे टिटोस क्लब, मेम्बोस, द वाइट गोवा, माया क्लब, ऐसे काफी सारे क्लब्स हैं, आप वहाँ जाके नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक दिन पंजिम के लिए अलग से निकाले, वहाँ पे काफी सारे प्लेसेस हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इवनिंग में वहाँ पे आप कैसीनो क्रूज भी एंजॉय कर सकते हैं। पंजिम जाने के लिए आप मॉर्निंग में जल्दी ब्रेकफास्ट करके निकल जाएं, क्योंकि वो बागा कलंगूट से 17 से 18 किलोमीटर दूर है, तो आप एक दिन पंजिम में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें जो गोवा ट्रिप प्लान कर रहा है।